मोदी की मेक इन इंडिया हर दिन एक नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। कल तक जो भारत को सैन्य हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वो आज हथियार खुद बनाकर दूसरे देशों को बेचने लगा है। हाल ही में भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़ते हुए आर्मेनिया के साथ एक बड़े रक्षा सौदे का करार किया है। इस करार के तहत DRDO द्वारा विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा निर्मित $4 करोड़ यानी करीब 290 करोड़ रुपए के हथियार आर्मेनिया को बेचेगा। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे में स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम शामिल है। इन हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए आर्मेनिया को रूस और पोलैंड ने भी ऑफर किया था। दोनों देशों ने ट्रायल का भी आयोजन किया, लेकिन आर्मेनिया ने भारत द्वारा बनाए गए सिस्टम पर भरोसा जताया है और डील फाइनल हुई। सौदे के मुताबिक भारत 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की आपूर्ति करेगा, जो 50 किमी के रेंज में दुश्मन के हथियारों तेज स्वचालित और सटीक तरीके से पता लगा लेता है। रडार एक साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हथियारों से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल को पता लगा सकता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना LOC पर इसी रडार का उपयोग कर रही है। सेना को 2018 में ट्रायल के लिए यह सिस्टम दिया गया था। जाहिर है इन हथियारों का निर्यात भारत को अपनी स्वदेशी प्रणालियों की बिक्री के लिए एक नया बाजार खोलने में मदद करेगा, जो कि उसके यूरोपीय और अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में सस्ता है। मोदी सरकार ने साल 2024-25 तक सालाना 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।